हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ने मिलते हैं और अक्सर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, उस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आप लोगों के मैसेज अक्सर आते हैं कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो जो है ये रेगुलर नहीं आते, वीडियो रेगुलर नहीं आते, इस वीडियो को, ये जो आपका वीडियो सीरीज़ है आर्थिक सर्वेक्षण का, इसे ACF एग्जाम से पहले इसे कंप्लीट करा दीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 साल से मैं आप लोगों को ये आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, और ये जो वीडियो सीरीज है ये आपका सीजीपीएससी प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं अक्सर लाता हूं। ठीक, आप बोलेंगे कि बीच में कोई RI का एग्जाम आ रहा है, पटवारी का एग्जाम आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ रहा है, स्टेट इंजीनियरिंग का आ रहा है, ACF का आ रहा है, इससे पहले अगर इसको आप ये जो वीडियो सीरीज है इसे कंप्लीट करने का अगर आप डिमांड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके जो वीडियो आ रहा है ये CGPSC प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर एंड तक ये आपका वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वीडियो आने में डिले हो रहा है, इसके भी अपने रीजन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, लास्ट ईयर मैंने अपना खुद का एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन किया, उस इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन हुए और उसके जस्ट बाद लग गया आपका लॉकडाउन, तो जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस है उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ा आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो हर रोज क्या है, उनके लिए मुझे वीडियो आपके रिकॉर्ड करके अपलोड करने पड़ते हैं, उनके पर डे रिकॉर्ड, फिर बीच बीच में आपके हर 10-10 डेज में आप लोगों के करंट अफेयर के वीडियोज़ के जो है डेट आ जाते हैं, तो करंट अफेयर के वीडियो, फिर उनके पर डे के वीडियो, जिसके कारण ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, वीडियो आप लोगों के कंप्लीट होंगे नवंबर एंड तक, जो है मैं आपको ये सारा वीडियो सीरीज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, लेकिन फिलहाल जो है, देखिए, करंट अफेयर के वीडियो में और आपके इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में डिफरेंस है, इसमें हमें जो है आपके आंकड़ों पर फोकस करना पड़ता है। ठीक, तो ऐसा ही आपका इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो वीडियो आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये डिमांड करेंगे कि ACF एग्जाम से पहले से कंप्लीट करा दीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, आप में से बहुत लोग कमेंट आते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का हमारा भूगोल वाला वीडियो सीरीज है वो प्राइवेट हो गया है। जी हाँ, उसे मैंने खुद प्राइवेट किया है, उसके मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजन है। वो वीडियो जो है आप लोगों को दोबारा प्रोवाइड हो जाएगा, अभी 8-10 दिन के अंदर जो है वो वीडियो जो है आप लोग के लिए फिर से पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट मत कीजिए, वो वीडियो आ जाएगा 8-10 दिन में। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका एक टॉपिक वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना। वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं को, वो योजना किस डेट में प्रारंभ हुए, उस योजना के अंतर्गत कौन आपके पात्र होंगे, उसके प्रावधान, उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ और उसकी वर्तमान में स्थिति। ठीक, देखिए ये जो योजना है ये योजना काफ़ी पहले, ठीक है, आपके 3-4 साल पहले ये योजनाओं को प्रारंभ किया गया, लेकिन ये योजनाएं आज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो योजना है ये हमारे देश में एक अलग वित्तीय क्रांति लेकर के आया। उसका एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये योजना आज भी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो आपकी योजना है ये हमारे देश में एक अलग ही प्रकार की आपकी वित्तीय क्रांति लेकर के आया। तो ये जो योजना है इससे हर साल जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आपके नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसका नाम था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंतर्गत प्रति परिवार कम से कम एक बचत बैंक खाता खोले जाने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की गई थी। ठीक, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो आपके जो परिवार है उनका जो है किसी भी प्रकार से उनका बैंक खाता या उनका बैंक अकाउंट रहता नहीं है, उसके भी कुछ रीज़न है। उसके रीज़न क्या रहते हैं कि जो आपके कमर्शियल सेक्टर के जो आपके बैंक रहते हैं उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। ठीक, तो जिसके कारण ये जो आपके ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले जो लोग हैं वो अपना अकाउंट आपके किसी भी बैंक में ओपन नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ये अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ आपका 28 अगस्त 2014 को, अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू किया गया 28 अगस्त 2014 को, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का प्रावधान लाया गया। ठीक है, जो आपके कमर्शियल सेक्टर के जो बैंक है जिसमें आपके एक अकाउंट ओपन करने के लिए पर्टिकुलर एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था उसे बीच से हटा दिया गया। इस योजना के अंतर्गत जो आपका कोई भी अगर व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी, यानी जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है।
ठीक, तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया 28 अगस्त 2014 को, इसके अंतर्गत कौन पात्र होंगे? 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10 से लेकर के 18 वर्ष का जो आयु वर्ग है ये अवयस्क रहते हैं। तो कोई अवयस्क जो है अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो अपने गार्जियन या अपने माता पिता की निगरानी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है इस योजना के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने की पात्रता क्या है? 10 वर्ष से अधिक आयु। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत क्या प्रावधान लाया गया, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, यानी कि जीरो बैलेंस पर भी जो आपका अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर आपके ग्रामीण और शहरी सभी लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें जो मेन लक्षित वर्ग था वो था आपका ग्रामीण वर्ग, क्योंकि वही अक्सर अपने अकाउंट जो है किसी बैंक में ओपन नहीं करते। ठीक, देखिए इसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ आपके कवर या कुछ आपके लाभ भी दिए गए, जैसे कि जो भी आपके इसके खाता धारक होंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के, उन्हें प्रदान किया जाएगा आपके दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा यानी दुर्घटना से अगर उस खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा 1 लाख रुपए। जीवन बीमा, सामान्य स्थिति में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा 30,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक प्रकार का लोन है, ठीक है, एक प्रकार का लोन जो कि के 6 माह तक अगर किसी बैंक में अपने अकाउंट में अगर आप 6 महीने तक लेन देन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपके लेन देन के आधार पर आपको 10,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट यानी कि एक प्रकार का लोन मिल सकता है। अब आपके किस प्रकार से आपका बैंक में जो लेन देन है उसके आधार पर आपको 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन करने पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रावधान है। इसके अलावा जो इसकी स्थिति क्या है, मई 2019 तक की स्थिति में इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में 1,40,00,000, ठीक, 1.40 करोड़, यानी कि 1,40,00,000 खाता धारक मौजूद है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीजीपीएससी प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा। तो ये जो हमारे मई 2019, इसमें ये डेट याद रखिएगा, मई 2019 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में, अभी तो ये आंकड़े और बढ़ गए होंगे, लेकिन मई 2019 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में 1.40 यानी 1.40 करोड़ खाता धारक मौजूद है। देखिए अब ये योजना का बेनिफिट हमें कैसे मिला कि ये एक अलग प्रकार की वित्तीय क्रांति लेकर के आई। इसके अंतर्गत जो है आपका जो डीबीटी की जो फैसिलिटी है ये काफ़ी बढ़ गई, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज के डेट में किसी भी योजना, जैसे अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, जो धान की खरीदी की जा रही है उसमें डायरेक्ट जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है किसानों के खाते में। पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर 100 रुपये भेजा जाता था तो उसे उसके लाभार्थी को मिलते तक जो पैसा जो है वो 100 रुपये से घट करके 10 रुपये या 5 रुपये बचता था। बीच में जो आपके अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी जो रहते थे वो पैसा खा जाते थे। लेकिन इस आपकी योजना से जो है एक अलग वित्तीय क्रांति आई, इससे जो है डीबीटी का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। जैसे कि आज के डेट में हमारे प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, धान खरीदी के बाद आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना आया जिसके अंतर्गत आपके 3 या 4 किस्तों में उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से सुविधा मिली है आपके किसानों को, ठीक। तो ये जो है, ये जो क्रांति आई है वो इसी योजना के कारण ही आई है, जिसके कारण हर एक परिवार में कम से कम एक बचत बैंक खाता जो है आपका खुल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी तीन योजनाएं जो कि एक ही डेट में आपकी स्टार्ट हुई 9 मई 2015 को। ये तीन योजनाएं कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आपका अटल पेंशन योजना। जो तीनों योजनाएं हैं ये आपका प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का पार्ट है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत तीन योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक योजना शामिल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, तीन योजना शामिल है और किस डेट में प्रारंभ हुए, 9 मई 2015 को, ठीक। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को देखिए, इस योजना के अंतर्गत बीमा जो है, बीमा कौन से वर्ष के आयु वर्ग के लोग अपना करवा सकते हैं, वो है आपके 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा करवा सकते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, अगर किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना है तो उसे
₹330 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इस अमाउंट को याद रखिएगा, रेड कलर में लिखा है, ₹330 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, जो भी इस योजना के लाभ लेना चाहता है उसके बैंक अकाउंट को इस बीमा योजना से लिंक किया जाएगा और उसके अकाउंट से हर साल ये अमाउंट जो है डेबिट किया जाएगा। ठीक, तो ₹330 का वार्षिक प्रीमियम किस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ₹330 का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, अब इस बीमा के अंतर्गत बीमा कवर कितना मिलेगा, तो जो बीमा धारक है उस बीमा धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसके नॉमिनी को, मृत्यु होने की दशा में उसके नॉमिनी को यानी नामित व्यक्ति को ₹2,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो आपके 10.69 लाख लाभार्थी मौजूद है, ठीक है, 10.69 लाख, ठीक, इतने लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में मौजूद है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंपॉर्टेंट है, इससे सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है और इससे कथन वाले भी प्रश्न बनते हैं, हर एक लाइन जो है इसका कथन बन जाता है। और ये ₹330 की वार्षिक राशि जो है ये आपके कई एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, तो ये अमाउंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया था। ये इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें ₹12 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ₹12 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, इसमें बीमा कवर कितना मिलेगा, अगर जो बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने की स्थिति में उसके नॉमिनी को ₹2,00,000 या स्थायी विकलांगता, एक होता है स्थायी विकलांगता और एक होता है आपका अस्थायी या आंशिक विकलांगता। अगर दुर्घटना में उस बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने की दशा में उसके नॉमिनी को मिलेगा ₹2,00,000। अगर वो स्थायी विकलांग हो जाता है यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया कि उस पैर को काटने की नौबत आ गई यानी कि वो स्थायी विकलांग हो गया, तो उस कंडीशन में उस बीमित व्यक्ति को ₹2,00,000 मिलेगा। आंशिक विकलांग, अगर उस व्यक्ति का हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो और पैर फ्रैक्चर होने के बाद जो है उसे रिकवर होने में काफी समय लगेगा, तो रिकवर होने में काफी समय लगेगा लेकिन पैर फ्रैक्चर हुआ यानी कि ये कहलाएगा आपका आंशिक विकलांग। आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1,00,000 की जो राशि जो है उस बीमा कवर वाले व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। तो यह है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत हमारे प्रदेश में 42.73 लाख, ठीक, 42.73 लाख लाभार्थी मौजूद है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, यानी कि इस एज ग्रुप वाले कोई भी व्यक्ति इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। ये जो अटल पेंशन योजना है इसका लाभ केवल असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मिलेगा। अटल पेंशन योजना जो कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का ही एक पार्ट है, इसके अंतर्गत असंगठित निजी क्षेत्र के जो श्रमिक है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ये असंगठित निजी क्षेत्र के श्रमिक कौन होते हैं, जैसे कि कोई आपका एक चपरासी जो किसी निजी कंपनी के बाहर में जाकर के आपका वहां पे चपरासी की नौकरी करता है, कोई महिला जो लोगों के घर घर जाकर के वहां पे बर्तन मलने का कार्य करती है, तो ये सभी के सभी आपके असंगठित निजी क्षेत्र के आपके श्रमिक कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जो उसके कार्य अवधि के दौरान, जब तक वो अपना कार्य करता है उसके कार्य अवधि के दौरान जो है उसके सैलरी से पर्टिकुलर एक राशि पीएफ के रूप में काट ली जाती है, बाद में उसके रिटायरमेंट के बाद वो पीएफ वाली जो राशि है उसे पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। तो वैसे ही इस असंगठित निजी क्षेत्र के जो आपके श्रमिक है उनके लिए भी एक पेंशन योजना लाया गया, आपका अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो एज ग्रुप शामिल होंगे वो है आपके 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत निश्चित राशि उन्हें 20 वर्ष तक जमा करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक निश्चित राशि, वो निश्चित राशि कैसी होगी उसे हम देखेंगे, एक निश्चित राशि उन्हें 20 वर्ष तक जमा करनी होगी। देखिए, असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत करने वाले श्रमिक जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होगा, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होगा, इस पेंशन में उन्हें एक हज़ार से लेकर के 5,000 रुपये प्रति माह इन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। अब किसी व्यक्ति को 1,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 3,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा या 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, ये डिपेंड करेगा इस निश्चित राशि के ऊपर। एक पर्टिकुलर स्लैब बना करके दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा,
वो स्लैब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस स्लैब के अनुसार भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें कितनी पेंशन राशि मिलेगी वो डिसाइड होता है। ठीक, तो आपके इस निश्चित राशि के आधार पर उन्हें 1 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक का जो पेंशन इन्हें मिलेगा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 1.88 लाख, ठीक, 1.88 लाख लाभार्थी मौजूद है। कब तक की स्थिति में, ये सारे के सारे जो है आपके मई 2019 तक की स्थिति के डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये प्रारंभ हुआ आपके 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटियां बोझ नहीं होती, इस उद्देश्य से ये सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया। ठीक, देखिए किसी भी परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म से ही उस बेटी के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके शादी तक का जो बोझ है वो उस परिवार पर आ जाता है। ऐसी मानसिकता, ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता हमारे जो देश में है काफी पहले से चले आ रही है। तो इस जो मानसिकता को कम करने के लिए, इस मानसिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से हमारे देश में चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इसी के अंतर्गत शामिल किया गया कि बेटियां बोझ नहीं होती, इसका नारा दिया गया बेटियां बोझ नहीं होती। और इसी के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया, इस योजना के अंतर्गत आपका 10 वर्ष से कम आयु की बालिका, 10 वर्ष से कम आयु की बालिका, मैक्सिमम 2 बालिकाएं, ठीक है, मैक्सिमम 2 बालिकाएं, 10 वर्ष से कम आयु, इसमें जो है इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, जो बालिकाएं हैं, जो छोटी बालिकाएं हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है उन्हें इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। और मैक्सिमम एक परिवार की 2 बालिकाओं का जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके अंतर्गत वो बालिकाओं का अकाउंट ओपन करने से प्रॉफिट क्या होगा, जो हमारे कमर्शियल जो बैंक है उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो आपका जो उसमें इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो ब्याज दर है वो मिलता है लगभग आपका 3.5 से 4%। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो है आपके तिमाही आधार पर जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये चेंज होता है, और जो इंटरेस्ट रेट है ये अक्सर डबल रहता है यानी कि लगभग आपके 7 से 8% और मैक्स टू मैक्स 9% तक भी ये आपका इंटरेस्ट रेट चले जाता है। ठीक, तो इसमें जो है आपकी ब्याज की राशि काफी ज्यादा है, तो इस कारण से जो है आपकी योजना का लाभ आपके काफी लोग उठा भी रहे हैं। तो ध्यान समझते हुए चलिएगा, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, इसके अंतर्गत आपके ₹250 सालाना न्यूनतम राशि जो है डिपॉजिट की जा सकती है। ठीक है, अब समझिएगा, अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है एक परिवार का। इसमें लिमिटेशन क्या है, कम से कम ₹250 और मैक्स टू मैक्स आपका 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए की सालाना राशि जमा की जा सकती है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर कोई व्यक्ति अपनी बालिकाओं के नाम पर ₹250 सालाना यानी कि ईयरली और मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपए सालाना आपका डिपॉजिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिपॉजिट करना है, हो सकता है आप इस साल 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, अगले साल 1 लाख किए, उसके अगले साल 50,000 किए, उसके अगले साल 25,000 किए, ठीक, उसके आधार पर जो है आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट ही करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, अपनी कंडीशन के आधार पर आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ₹250 और मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं ईयरली। ठीक, इस योजना के अंतर्गत डिपॉजिट कब तक करना है, नेक्स्ट 14 यानी कि 14 साल तक, जिस तिथि से आपका अकाउंट ओपन किया गया है उसके अगले 14 साल तक आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है। इसकी मैच्योरिटी कब तक रहेगी, ये जो आपका पैसा जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड है आपका 21 साल बाद, यानी कि आपको 14 साल तक डिपॉजिट करना है, 14 साल के बाद डिपॉजिट करना बंद कर देना है, उसके बाद आपको 7 साल इंतजार करना है, यानी कि टोटल 21 साल हुआ। तो 21 साल बाद जो है ये आपके पैसे की मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक, इससे पहले भी ये पैसा निकाला जा सकता है, अगर लड़की की शादी हो रही है तो शादी होने की कंडीशन में आपके 21 साल से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। ठीक, ये जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है उसका 50% अमाउंट जो है विड्रॉल किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, अगर लड़की की उम्र 18 साल हो गई है और वो एजुकेशन पर्पस से यानी कि अपने आगे की शिक्षा के लिए वो जमा राशि का 50% निकाल सकती है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते से। ठीक, अभी वर्तमान में ये जो आपका
जिसका जो ब्याज दर है हर तिमाही आधार पर जो इसका ब्याज दर है डिसाइड होता है। अभी अप्रैल 2020 तक की स्थिति में इसका जो ब्याज दर है ये था आपका अप्रैल 2020 तक की स्थिति में 7.6%। ठीक है, अभी तिमाही आधार पर और चेंज हुआ होगा लेकिन अप्रैल 2020 तक की स्थिति में ये था आपका 7.6%। तो ये है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म देखिएगा MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इस मुद्रा योजना को प्रारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को यह मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया। यह एक प्रकार की ऋण योजना है जो कि आपके सूक्ष्म एवं लघु और कुटीर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया। देखिए, हमारे देश में जो आपके जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो उद्योग है, उनका सालाना टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण जो आपके बैंक से जो लोन लेने का जो क्राइटेरिया होता है, ये आपके बड़े बड़े उद्योग उसे फुलफिल कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जो छोटे उद्योग जो है ये आपके बैंक से लोन लेने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके कारण इन्हें लोन लेने में काफी दिक्कतें आती है। तो इन सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लाया गया आपका मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना जो कि आपके सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लाया गया। इसके अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराए जाने की भी तीन कैटेगरी है। एक है आपका शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है आपका आपका तरुण। ठीक, तो ये तीन कैटेगरी के अंतर्गत आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत आपका 50,000 रुपये तक की राशि आपके ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख और तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि जो है आपके ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो यह है आपका मुद्रा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सहकारिता। सहकारिता शुरू करने से पहले एक योजना है, फिलहाल तो मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, वो है आपका ई शक्ति योजना। ठीक है, उसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ई शक्ति योजना, ये जो ई शक्ति योजना है ये प्रारंभ किया गया था आपके 15 मार्च 2015 नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ की गई योजना थी, जो कि स्व सहायता समूहों के आपके डिजिटलाइजेशन से संबंधित था, यानी स्व सहायता समूहों के कार्यों के डिजिटलाइजेशन से संबंधित था आपका ई शक्ति योजना। इस ई शक्ति योजना को प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था हमारे प्रदेश के 4 जिलों में। हमारे प्रदेश के 4 जिले, एक था आपका राजनांदगांव, दूसरा था आपका दुर्ग, तीसरा महासमुंद और चौथा था बिलासपुर। ठीक, इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में नाबार्ड द्वारा इस योजना का 4 और जिलों में विस्तार किया गया। 4 और जिले जिसमें 3 थे आपके बस्तर संभाग के, 1 था बस्तर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कांकेर और चौथा था आपका रायगढ़। ठीक, तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना का विस्तार और 4 जिलों में किया गया। तो ध्यान समझते हुए चलिएगा, इस आपके ई शक्ति योजना के अंतर्गत जो कि स्व सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन से संबंधित है, इसके अंतर्गत वर्तमान में हमारे प्रदेश के 4 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और इस साल जो विस्तार हुआ यानी पिछले वित्तीय वर्ष में जो आपका विस्तार हुआ वो है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और आपका रायगढ़। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सहकारिता। इस सहकारिता के अंतर्गत हम देखेंगे आपके शक्कर कारखाना। पिछले कुछ आपके जो पिछले 2-3 सालों से जो आपके इकोनॉमिक सर्वे आए थे उसमें ये आपके शक्कर कारखाने से संबंधित कोई भी डाटा नहीं आते थे। पहली बार ये डाटा आपका जोड़ा गया है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डाटा को समझते हुए चलिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये नए डाटा है, पहली बार इसे इकोनॉमिक सर्वे में ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए, पहले सबसे पहले देखिएगा शक्कर कारखाना। शक्कर कारखाने का पहले नाम देख लीजिए। हमारे प्रदेश में आपके 4 शक्कर कारखाने, 4 सहकारी क्षेत्र के शक्कर कारखाने मौजूद हैं। एक है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि मौजूद है कवर्धा जिले के रामेपुर में। दूसरा है आपका महामाया शक्कर कारखाना जो कि मौजूद है आपका केतरा सूरजपुर जिले में। तीसरा है आपका माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जो कि मौजूद है आपका करकाभाटा बालोद में। और चौथा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कि मौजूद है आपका पंडरिया कवर्धा में। कवर्धा जिले में 2 है, 1 है सूरजपुर में और 1 है आपका बालोद में। ठीक, देखिए, अब 1 है आपका इसका उत्पादन वर्ष। ठीक है, इनका उत्पादन वर्ष, स्थापना वर्ष नहीं दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि इस शक्कर कारखाने से उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो देखिए, इस भोरमदेव शक्कर कारखाना का उत्पादन वर्ष है वर्ष 2002-3 से, यानी वित्तीय वर्ष 2002-3 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। मां महामाया का उत्पादन प्रारंभ हुआ 2009-10 से, मां दंतेश्वरी का उत्पादन प्रारंभ हुआ आपका वर्ष 2009-10 से और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ आपका वित्तीय वर्ष 2016-17 से। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, अब जो हमारे प्रदेश में जो आपकी जो शक्कर कारखाने मौजूद है इनकी क्षमता कितनी है, इनकी क्षमता मतलब इनकी पेराई क्षमता। अब ये पेराई क्षमता क्या होता है, पेराई क्षमता का मतलब जैसे कि आप गन्ना रस कभी ना कभी पिए होंगे, तो गन्ना रस, गन्ना का रस कैसे निकाला जाता है, गन्ने को गन्ने के रस के मशीन में डाला जाता है, ठीक है, दो रोलर घूमते रहते हैं, उन रोलर के बीच में गन्ने को डाला जाता है और उस गन्ने के दबने से निकलता है आपका रस। यानी कि जो गन्ने को डाला जाता है यानी कि गन्ने की पेराई की जाती है, गन्ने को निचोड़ करके जो उसका रस निकाला जाता है ये कहलाता है आपका पेराई करना, ठीक है। इसका जो आपका यूनिट होता है ये है आपका TCD, टन ऑफ केन पर डे, टन ऑफ केन पर डे। यानी केन का मतलब होता है जो शक्कर को, जो आपका गन्ना जो है, गन्ना को इंग्लिश में कहा जाता है सुगर केन, तो टन ऑफ केन यानी कि जो आपका गन्ने का जो टन है, कितने टन गन्ने का पेराई किया जा रहा है प्रतिदिन, तो TCD यानी टन ऑफ केन पर डे, ये है इसका यूनिट पेराई क्षमता का, ठीक। देखिए तो हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक पेराई क्षमता है वो है आपके भोरमदेव शक्कर कारखाना का, जिसमें प्रतिदिन प्रतिदिन आपका 3500 टन आपके गन्ने की पेराई की जा सकती है, ये इसकी क्षमता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका माँ महामाया, जो कि आपके सूरजपुर जिले में है। इस माँ महामाया शक्कर कारखाने की जो आपकी क्षमता है वो है आपका 2500 TCD, यानी कि यहाँ पे 2500 टन जो गन्ने हैं उसकी पेराई की जा सकती है प्रतिदिन, ठीक। नेक्स्ट है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, जिसकी क्षमता है 1500 TCD, यानी कि यहाँ पर 1500 टन गन्ने का पेराई किया जा सकता है प्रतिदिन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका जो पेराई क्षमता है वो है आपका 2500 TCD, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक पेराई क्षमता वाला प्रदेश का कौन सा शक्कर कारखाना है, तो ध्यान दीजिएगा भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिसकी पेराई क्षमता सर्वाधिक है, ठीक। अब हम देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ध्यान दीजिएगा जो आपके इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 2018-19 का आंकड़ा दिया गया है, 19-20 और 20-21 ढूंढते मत रहिएगा, इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा आपके एक साल पहले या इसके दो साल पहले तक का आपका आंकड़ा मेंशन किया जाता है। तो ये जो आपका इसमें जो आंकड़ा दिया गया है इनके शक्कर उत्पादन से, तो ये शक्कर उत्पादन का आंकड़ा है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 का, ठीक। तो देखिए शक्कर उत्पादन कितना हुआ हमारे प्रदेश में, इसको थोड़ा समझते हुए चलिएगा, नया है इससे प्रश्न बन सकता है। शक्कर कारखाने भोरमदेव, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी और सरदार पटेल, तो पेराई का लक्ष्य यानी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेराई का लक्ष्य कितना था, पेराई का लक्ष्य जो है ये है आपका मेट्रिक टन में। भोरमदेव शक्कर कारखाने का पेराई लक्ष्य था आपका 4.5 लाख, माँ महामाया का पेराई लक्ष्य था 1 लाख मेट्रिक टन, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाने का पेराई लक्ष्य था आपका 2.30 लाख मेट्रिक टन, और आपका सरदार पटेल का जो पेराई का लक्ष्य था वो था आपका 4 लाख मेट्रिक टन। इतना इनका पेराई का लक्ष्य डिसाइड किया गया था आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 में, लेकिन पेराई हुआ कितना आपका, इस आपके 4.5 लाख मेट्रिक टन के मुकाबले मात्र 4.22 लाख, यानी 4.22 लाख गन्ने की पेराई हुई, यानी कि लक्ष्य से कम, ठीक। माँ महामाया में 1 लाख की तुलना में आपका मात्र 92,000 गन्ने की पेराई हुई, ठीक, मतलब 92,000 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई। माँ दंतेश्वरी में 2.30 के तुलना में आपका 3.14 लाख मेट्रिक टन, यानी कि ज्यादा, लक्ष्य से ज्यादा, ठीक, लक्ष्य से ज्यादा आपका 3.14 लाख मेट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई, ठीक। नेक्स्ट है सरदार पटेल में, जिसमें लक्ष्य था 4 लाख, लेकिन 4 लाख की तुलना में मात्र 3.67 लाख मेट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक लक्ष्य किसमें था आपके भोरमदेव में, सर्वाधिक लक्ष्य की प्राप्ति यानी लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति किसने की, वो था आपका माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ठीक है। इंडिविजुअल प्रश्न बन सकता है इसलिए इसे रेड कलर में मैंने लिखा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो था आपका पेराई, मैंने यानी कि गन्ने की पेराई करके गन्ने का रस निकालना, लेकिन अब समय है गन्ने के रस से शक्कर बनाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे डाटा क्या दिया हुआ है, मैट्रिक टन। इस मैट्रिक टन की तुलना में आपका शक्कर जो है वो क्विंटल में है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका जो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाने में जो गन्ने की पेराई की गई, उस गन्ने की पेराई करके आपका मात्र 3.96 लाख
क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, ठीक है, यानी कि जितना पेराई किया गया था उससे मात्र 9.37% रिकवरी हुई, ठीक है, 10% से कम आपका शक्कर बनता है और ये रिकवरी रेट लगभग इतने के ही आसपास रहता है, ठीक। उसका शक्कर बनाने का प्रोसीजर क्या है आप नेट में सर्च कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन जितना आपका ध्यान से देखिए उसमें आपका मैट्रिक टन दिया हुआ है और शक्कर बन रहा है आपके क्विंटल में, जो कि आपका कुल पेराई का मात्र 9.37% है, यानी कि 10% से भी कम है, ठीक। नेक्स्ट है आपका माँ महामाया, जहां पे आपका 83,000 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ। माँ दंतेश्वरी, जहां पर 3.14 लाख आपका क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सरदार पटेल, जहां पे 3.67 लाख शक्कर लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखिए, देखिए इसमें जो है सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन किस कारखाने में हुआ पूछा जाए तो वो है आपके भोरमदेव शक्कर कारखाने में, आपके सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ 3.96 लाख, ठीक है, डिजिट के हिसाब से सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ आपके भोरमदेव शक्कर कारखाने में। और सर्वाधिक रिकवरी किसने प्राप्त की पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसने 10% रिकवरी प्राप्त की, ठीक है, जिसमें आपका पेराई हुआ आपका 3.67 लाख मैट्रिक टन, जिसकी तुलना में आपका 3.67 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, यानी कि 10% की रिकवरी हुई, ठीक। तो ये है आपका शक्कर का उत्पादन। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे प्रदेश में टोटल कितने शक्कर का उत्पादन हुआ पूछा जाए तो हमारे प्रदेश में टोटल आपका 11.61 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे प्रदेश में 11.61 यानी कि 11.61 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृषक ऋण वितरण। कृषक ऋण वितरण को समझने से पहले एक चीज जो बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। देखिए हमारे जो अखिल भारतीय स्तर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी आपके वित्तीय वर्ष 1998-99 से। जो किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए एक कार्ड वितरित किया जाता है, जिसे कहा जाता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष से हुई पूछा जाए तो वो है आपका वित्तीय वर्ष 1998-99 से। और इस किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो है आपके पूरे भारत भर में किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अल्पकालीन जो ऋण है, अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वित्तीय वर्ष 2014-15 से उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को 0% ब्याज दर पर आपका अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? वित्तीय वर्ष 1998-99 से। और किसान क्रेडिट और आपका किसानों को अल्पकालीन ऋण किस वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से, ठीक है। दोनों को नोट कीजिएगा। अब देखिए कृषक ऋण वितरण, ये आपका किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसको देखिए। एक तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, दूसरा पशुपालकों को, और तीसरा है आपका मत्स्य पालकों और उद्यान की क्षेत्र के। देखिए ये शुरू में जो है इस किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत केवल किसानों को ही ऋण उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन पिछले साल के केंद्र सरकार के बजट में ये आपका घोषणा किया गया था कि इस किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अब पशुपालकों और आपके मत्स्य पालकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसी योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में किसानों के साथ साथ गौपालक या पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को, और मत्स्य पालकों के साथ साथ उद्यानिकी क्षेत्र में कार्यरत किसानों को भी आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। ध्यान समझते हुए चलिए, अल्पकालीन ऋण, इस अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत जो है किसानों को आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये जो ऋण है आपका 60:40 के रेशियो में उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि जो आपकी ऋण की जो राशि है उस ऋण की राशि का 60% जो है आपके नगद रूप में और 40% जो है वो सामग्री के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिकतम ऋण यहाँ 50 लाख लिखा है, इसको 5 लाख कीजिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो किसानों को जो अल्पकालीन जो ऋण है ये 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है,
और ब्याज दर कितना 0% ब्याज दर पर, और इस 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाना कब से प्रारंभ किया गया, वित्तीय वर्ष 2014-15 से। ठीक, अधिकतम इस अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है, 5 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गौ पालन और पशुपालन। इस गौ पालन और पशुपालन के अंतर्गत जो है आपके 2 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर, जबकि 2 से 3 लाख तक का ऋण जो है 3% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालक। मत्स्य पालक व उद्यानिकी क्षेत्र में कार्यरत किसानों को 1 लाख रुपए तक की जो आपका ऋण है 1% ब्याज दर पर, जबकि 1 से 3 लाख तक का जो आपका ऋण है ये आपका 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आंकड़े है और ये जो आपको जितनी भी योजनाएं बताई है ये योजना आपके प्री मेंस और आपके साथ ही साथ आगामी जो भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।